हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी और ये आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है। कलामे मुकद्दस में क्योंकि आज जो हम सात सलीबी कलमात का मुतलिक ताके आगम का बयान कर रहे हैं और उन्होंने कर दिया, इसका जो क्लोजिंग है वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं पालूस रसूल ने पहला खत तरंथियों को लिखते वक्त पहले बाप में और उसकी 18 आयत में खुदा का फरमान जारी किया और वो फरमान क्या था, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। इसलिए कि जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर होता है तो हम नजात पाते, हम रहाई पाते, हम जिंदगी पाते। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब ईद फसा मनाई, ईद फसा खुदावंद यीशु मसीह ने ईद से पहले ही मनाई थी। ईद फसा खुदावंद यीशु मसीह ने ईद से पहले मनाई थी तो जब वो ईद फसा मनाकर गतसमनी बाग में गए और जो प्लानिंग था, जो मंसूबा था, उसके मुताबिक कुछ शिगिर्दों को गतसमनी बाग के बाहर और कुछ को तीन को आगे साथ ले गए और उनसे कहा कि यहाँ पर आप सब बैठ जाए और दुआ करें ताकि आजमाइश में न पड़े। और खुदावंद यीशु मसीह के सात दफा कामलियत का लफ्ज है, सात दफा खुदावंद यीशु मसीह का सात दफा जमीन पर खून बहा। पहली दफा यीशु मसीह का खून गतसमनी बाग में खून का पसीने आने से खून का पसीना बूंदे बन बन कर बह रहा था। लूका की अंजील के 22 बाग की 44 आयत में हमें मिलता। दूसरी बार जब सरदार काहिन कायफा की अदालत में पेश हुए तो उसने सवाल किया कि क्या तू खुदा का बेटा है, यीशु ने जवाब दिया तू खुद कहता है। उसने कहा ये कुफर बकता है, अब हमें किसी सबूत और गवाही की जरूरत नहीं। उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और यीशु के मुक्के मारे और बाद में तमाचे मारकर कहा ऐ मसीह हमें नबूवत से बता तुझे किसने मारा। वहां पर खून बहा। मत्ती की अंजील 26 बार की 65-67 आयत में हमें मिलता है। इसी तरह तीसरी बार यीशु मसीह का खून जमीन पर बहा जब सरदार कहन हन्ना के पास लाए, ये रात को 10 बजे पकड़ा गया और 6 अदालतों में पूरी रात वो उन्होंने मुतलिक अदालतों में पेश होते रहे। लिखा है कि जब सरदार कहन हन्ना के पास लाए तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार कहन को ऐसा जवाब देता है, उसकी दाढ़ी नोची
यूहन्ना 18 बाप के 22 आयत में थे हम देखते हैं। इसी तरह चौथी बार यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज ऐसे नहीं रखा गया जैसे ताज रखते, बल्कि कांटों का ताज डालकर मारते थे और उन कांटों की लंबाई 3 इंच और सर पर 17 जख्म लगे जिनसे खून बह रहा था। और इसी तरह पांचवी बार खुदावंद यीशु मसीह का खून, जब पैंतूस ने पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से क्या हूं, बरी हूं। और तुम जानो, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी लाल की गर्दन पर हो। फिर पिलातुस ने बराबा डाकू को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को 39 कोड़े 1 कम 40 कोड़े लगवा कर उनके हवाले कर दिया। मत्ती 27 बाब की 24 से 26 आयत। और आप जानते हैं कि कोड़ा जब लगाया जाता था उसमें शीशा और कीमती धात उसमें गिरा देकर लगाई जाती थी, जहां जहां कोड़ा लगता था वहां से मांस उखड़ जाता था और खून जारी हो जाता था। इसी तरह छठा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, तो जब यीशु मसीह को स्लीप पर चढ़ाकर हाथों और पांव में 3 कील लगाए गए, 1 कील की लंबाई 8 इंच थी, वहां से खून जारी हो रहा था। और सातवां जो खून खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म से निकला, क्योंकि कोड़ों ने ही पहले बहुत ज्यादा खून बह चुका था, और सातवां जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दे रहे हैं, बल्कि दे दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी, तो सिपाहियों ने यीशु की पसली पर नेजा मारा जिससे खून निकला, खून और पानी बह निकला। यूहन्ना की अंजील उसके 19 बाब के 34 आयत में हमें मिलता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, 7 बार खुदावंद यीशु मसीह का खून बहा जिसे कामलियत का लफ्ज भी कहा जाता है, और वो हम सब ईमान लाने वालों के लिए जो सलीब का पैगाम सुनते हैं, और ईमान लाने वालों के लिए यह बहाया गया। इसलिए देखते हैं हम कि जब खुदावंद यीशु मसीह को रात के 10 बजे उससे पहले 3 बार यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास आते हैं और कहते हैं कि उठो उठो, क्या करो, दुआ करो, क्या करो, दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना। लेकिन उन्होंने खाना खाया हुआ था, इसलिए वो बार बार सो जाते थे, गलूंगी आ जाती थी। और चौथी बार कहा कि अब तुम सोते रहो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला आ गया है और मेरा वक्त यीशु मसीह नासरी 33.5 साल इस जमीन पर रहे। 30 साल उन्होंने अपने मां बाप की खिदमत की और 3.5 साल दुनिया में आसमान की अपने बाप के हुक्म को मानते हुए आसमान की खुशखबरी का पैगाम दिया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई। और इसी तरह यीशु मसीह नासरी ने जब देखिएगा कि कोई भी खिदमत में आता है, जब 30 साल तक उन्होंने अपने मां बाप की खिदमत की, बपतिस्मा लिया और फिर
से उनका मुकाबला हर रोज अबलीस से आजमाए जा रहे थे। यीशु मसीह ने 3.5 साल आसमान की खुशखबरी का पैगाम दिया और बहुत सारे शागिर्द बनाए, रसूल बनाए, उनमें से 12 को चुना और यीशु मसीह लोगों को शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ियों को पाक साफ करते थे, अंधों को आंखें देते थे, बीमारों को शिफा देते थे और बदरू ग्रस्त को आजाद करते रहे। और खाने के लिए भी यह है कि उन्होंने 2 दफा 5 रोटियां और 2 मछलियों से यह मोहतर, दूसरी दफा 7 रोटियों और कुछ मछलियों से 4,000 को खाना खिलाया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कद, यीशु मसीह का कद तकरीबन 5 फुट 11 इंच था, यानी 6 फुट के करीब था। यीशु मसीह नासरी का वजन 65 केजी के करीब था, 65 किलो के करीब था और यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा। उन कांटों की लंबाई तकरीबन 3 इंच के करीब लंबी थी और यीशु मसीह के सर पर कांटों के 17 जख्म लगे जिनसे खून बह रहा है और जिनसे खून खुदा यीशु मसीह का बह रहा है। यीशु मसीह को एक दम 40 कोड़े मारे गए, जो जिस्म से मांस को फाड़ देते थे और खून जारी हो रहा था। यीशु मसीह की सलीब का वजन 150 केजी के करीब था, किलो के करीब था और यीशु मसीह की सलीब की ऊंचाई 15 फुट ऊंची थी। यीशु मसीह की सलीब की चौड़ाई 8 फुट चौड़ी थी। यीशु मसीह के जिस्म पर 150 गहरे जख्म लगे जिनसे खून बह रहा था। यीशु मसीह के हाथों और पांव में 3 कील लगाए गए और आपको मैंने अभी बताया कि 1 कील की लंबाई 8 इंच के बराबर थी। यीशु मसीह ने 17 घंटे तक पानी नहीं पिया, जब तक वो गतसमनी बाग से निकले और सुबह 9 बजे तक सलीब पर चढ़ाए गए, उस वक्त तक 17 घंटे तक उन्होंने पानी नहीं पिया, कुछ खाया पिया नहीं। यीशु मसीह को सलीब पर आखिरी वक्त में पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर यीशु मसीह नासरी ने चाहकर पीना ना चाहा। लूका की अंजील मुकद्दस उसका 27:34 में हमें मिलता है। जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए तो सिपाहियों ने यीशु मसीह की पसली में तेज धार नेजा मारा, वहां से खून और पानी बह निकला। यीशु मसीह के साथ, गौर से सुनिएगा, ये आपके साथ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, यीशु मसीह के साथ 350 रूमी सिपाही मौजूद थे और 50 सिपाही घोड़ों पर सवार थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में 3 घंटे तक, बल्कि पूरी दुनिया में जमीन पर अंधेरा छा गया, 3रे पहर तक रहा। 3रे पहर को यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान सलीब पर दे दी और मर गए। उस वक्त हैकल मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक हट कर 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। हैकल में 3 बड़े हिस्से हैं, एक पाक सेन है, दूसरा पाक मकाम है और तीसरा पाक तरीन मकाम है। पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान में एक खास किस्म का पर्दा बनाया हुआ लगाया गया था और सिर्फ
लगाया गया हुआ था और अंदर सिर्फ सरदार कहन जिसका नाम खुरा अंदाजी में निकलता था वो जा सकता था। खुदा ने शरीयत में मूसा नबी को ये हुक्म दिया था और नक्शा बकायदा तौर पर जो आसमान पर है खुदा ने मूसा को जरिए दिया। अब सुनिएगा, काहिन के तीन किस्म के गौन होते हैं, एक जामनी, एक अग्रवानी और एक सुर्ख रंग के कपड़ों का और एक सफेद, जिसको कहा गया है कि ब्रीक बटे हुए कतान का ये तैयार किया जाता है और उसमें पर्दा भी इसी तरह से बनाया गया और खुदा ने मूसा को ये हिदायत दी थी कि कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों यानी फरिश्तों की सूरत बनवाना और उसे सोने से मंडवाए हुए कीकर के चार स्तूनों पर लटकाना और पर्दे को कुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं अंदर पाक तरीन मकान में रखना। ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा। खुरूज की किताब 31 बाब की 33 आयत में हमें मिलता है। यह हैकल का पर्दा तकरीबन 70 फुट लंबा था और 30 फुट चौड़ा था और 4 इंच मोटा था। 4 इंच की आप देखते हैं कितनी मोटी ईंट होती है, 4 इंच का मोटा था। अगर दो बैलों की जोड़ियां इस तरह और उसे मुखालिफ सिमत खींचे तो भी ये पर्दा फट नहीं सकता था, मगर खुदा उन यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए खुदा ने ढा दी और अब हैकल का पाक तरीन मकाम के दरमियान का पर्दा ऊपर से नीचे तक हटकर दो टुकड़े हो गया है और इसीलिए फिलिस्तीनियों के खत उसके 2:13 आयत में लिखा है, इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत से ढा दिया और अब रूबरू एक दूसरे के देखते हैं। हम देखते हैं कि आज के जो 7 सलीबी कलमात हैं, जैसे पहला कलमा पास्टर असगर खोकर साहब ने बयान किया और यह कलमा माफी का कलमा है, तो दुआएं वाणी में भी कहा गया है उस वक्त तक माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम दूसरे को माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। और मुख्तसर यह है कि जब हम आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हमें माफी का दरस या माफी का कलमे की कहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा कलमा है डॉक्टर आरिफ खोकर साहब ने, पास्टर डॉक्टर आरिफ खोकर ने बयान किया, नजात का कलमा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने और मेरे साथ रहिएगा बस 2 मिनट और। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने और आप जानते हैं कि सलाद और पलू जो है वो कैद में है तो बेड़ियां खुल गई, दरोगा डर गया और उसने अपने आप, उसने कहा अपने आप को ना मार, हम यही हैं। उसने कहा ऐ मेरे आका साद हम क्या करेंगे मैं निजात पाऊं। उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात है
गुनाहों से रहाई, नजात है यीशु मसीह को दिल से कबूल करना, नजात है हमारी जिंदगी में वो काम करती है कि हम भटकते फिरते थे लेकिन यीशु हमें मिला जिसने हमें नजात की राह दिखाई। उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो निजात पाएगा, अब्दि खुशी पाएगा, जहां मैं रहता हूं वहां मेरे लोग रहेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं तीसरा कलमा, पास्टर नैयर इकबाल साहब ने बयान किया, मोहब्बत का कलमा। मोहब्बत का कलमा जो है, जैसे अभी बताया गया था कि यूहन्ना की इंजील उसके 3:16 में हमें मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत ने पौलुस रसूल ने 1 कुरिन्थियों 13 में फरमाया है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, लेकिन आखिर 13 में हमें मिलता है ईमान उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है लेकिन अफजल इनमें से क्या है? मोहब्बत। और खुदा ने अपने बेटे के जरिए जो स्लीप पर आज हमारे गुनाह के लिए 2024 पहले उन्हें कुर्बान दे दिया, वो मोहब्बत का सबूत है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कोई है जो मुझ पर इल्जाम लगाए या गुनाह साबित करे, ये मोहब्बत का सबूत है। और इसी तरह हम देखते हैं जुदाई का कलमा, जो पास्टर शहजाद साहब ने बड़ी वजाहत से बयान किया। जुदाई, खुदावंद यीशु मसीह ने जब हम निकाह के बंधन में बंध जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा। आज हम एक मिनट पर दूसरे को जुदा कर देते हैं, एक नहीं सुनी और दूसरे के खिलाफ, आज भाई भाई के खिलाफ जुदा हो गया है, बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ, माँ बेटी के खिलाफ और बेटी माँ के खिलाफ, यहाँ तक नहीं बल्कि अदालतों में भी जाकर जुदाई पैदा हो रही है। इसलिए हमें देखना है कि हम मसीह होते हुए ऐसे कामों से इत्तेजाब करें, ऐसे कामों को दूसरों के लिए अपने आप को पेश करें और मना करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। लेकिन यहाँ जुदाई का कलमा, खुदावंद यीशु मसीह को किसी ने नहीं जुदा किया, वो खुद प्लान जो मैंने शुरू में स्टार्ट जब इबादत हुई थी बताया था कि ऊपर से खुदा ने ये प्लान किया, किसी रूमी या यहूदी का प्लान नहीं था। इसलिए जुदाई इंसान की और खुदा की, उसके लिए जानवरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं बल्कि यीशु मसीह ने अपना पाक और कीमती खून आप लोगों के लिए स्लीप पर बहाकर आप लोगों को बाप के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। बाप मसीह या साई नहीं बल्कि खुदा बाप के बेटे बेटियां और फर्जंद हैं। आपका मजहब मसीह ईसाई नहीं बल्कि आप एक खुदाबाद के खानदान में शामिल हो गए हैं। इसीलिए अब जिस्मानी दुख का जो पास्टर आमर ने बयान किया, जिस्मानी दुख, आज जिस्मानी दुखों में हम बहुत ज्यादा मुब्तला है, मुसीबतों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी कुताहियां हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ जो है जिस्मानी दुख उठा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि तुम दुख उठाओ, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे लिए तो दुख मैंने उठाए हैं, अब तुम दुख ना उठाओ। इसलिए मेरे अजीजों, हम जिस्मानी दुखों में बेशक
वक्ती तौर पर है, लेकिन हम वहां पर जाएंगे जहां यीशु मसीह है, जहां यीशु मसीह ने हमें जो है वो देने का वादा किया हुआ है। हर रोज हम ये रोजों के अयाम है, तो हर रोज हम रोजा रखते हैं ना, अपने जिस्म को क्या करते हैं, दुख देते हैं, लेकिन हमारे काम अगर वैसे हैं तो फिर वो रोजा रोजा नहीं है, फिर हमारे जिस्म को दुख तो देते हैं लेकिन खुदा की वो गुर्बत या खुदा के साथ हमारी रफाकत नहीं। इसीलिए कामलियत और फतामंदी का जो पास्टर ताज मसीह ने दिया यह है कि हम बातों बातों में खुदा कर जाते हैं, हम बातों बातों में खुदा कर जाते हैं, और खुदा करना ही गुनाह है। लेकिन कामलियत का मतलब खुदा के साथ रफाकत, और फतामंदी उसी में है जबकि हम इस बात का एहसास अपने अंदर रखें कि मैंने गुनाह किया है तो मैं उससे माफी मांगू, तो फिर ये कामलियत का भी है, फतामंदी का भी है, जिसने अपने आप को खुदा के हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि जो गुनाह के दुख में आता है वो जिस्मानी दुख उठा लिया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने दुख उठा लिए, अब हमें जिस्मानी दुख उठाने की जरूरत नहीं। और सातवां कलमा है समुद्री पर। आज हम देखते हैं कि ये फतामंदी और कामलियत के बाद जो है सुपुर्दगी का कलमा है, जैसे पास्टर काशिफ फोकर साहब ने बयान किया, यह है सुपुर्दगी का, बाप के साथ मलाप करने का, अपने अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने का। और मैंने कई दफा बर्मला मैसेज में कहा है कि जब भी आप सोएं उससे पहले अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करें, सपुर्द करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। अब्रानियों 13 बाब में लिखा है कि वो कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। तो वो हमारी निगाहबानी और हिफाजत करेगा, हमें हर किस्म के शैतानी कुत्तों से बचाएगा। इसलिए जब हम सोए या काम पे जाए या दफ्तर जाए तो सबसे पहले अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करें, खुदा के सुपुर्द करें, तो फिर देखिएगा ना कोई शैतानी आप पर कुवत आएगी, ना कोई इबलीसी अजंडे, ना कोई किस किस्म का जो है डर होगा, ना खौफ होगा, बल्कि रात को भी अगर सोएंगे तो आपको मीठी नींद आएगी, क्योंकि आपने इस बॉडी को खुदा और यीशु मसीह के सबूर कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सबूर करता हूं। आप भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जब हम ये कहेंगे तो यकीन करें आपके लिए वो दरवाजे जो खुदावन के हैं वो अच्छे आपको ख्वाब, स्वीट ख्वाब, मीठे ख्वाब, कोई अपनी सी कोई किसी किस्म की स्थानीय क्रोध आपके नज़दीक नहीं आएगी। क्योंकि जब भी आप मिसाल के तौर पर, बहुत सारी इसमें मिसालें हैं कि मैं अपना जेवर बैंक के सपुर्द कर देता हूँ, अपने पैसे किसी दूसरे के सपुर्द कर देता हूँ, वो संभाल के रखता है कि भाई मुझे 4 दिन के बाद इनकी जरूरत है, वो संभालेगा। अपनी तनहा मैं अपनी बीवी के सपुर्द करता हूँ कि ये रख कल या परसों हम जाकर ये दूसरी चीजें खरीदेंगे। जब सपुर्द करते हैं तो वो एक किस्म का क्या है, वो एक किस्म का क्या है, जब हम सपुर्द करते हैं बोलिएगा, इमानत के तौर पर हम उनको देते हैं, और इमानत के तौर पर जो चीज दे जाती है वो वापस मिल जाती है। हालेलुया। तो इसलिए आज के जो 7 सलीबी कलमात हैं वो हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस शफा, बाइस नजात हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जब इस धरती पे अपनी जान दी और अपनी रूह खुदा बाप के सुपुर्द की, तो उस वक्त
आप मैं अभी पास्टर काशिप ने आपको बड़ी वजाहत से बताया कि कब्रें भी खुल गई, अंधेरा भी छा गया, पर्दा भी फट गया और चट्टानें भी चढ़क गई, लेकिन वहां पर जो गवाहियां दी गई वो सबसे काबिल है। इसलिए आज के इस जिंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। महसूस करें हमें इन तमाम कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आसिफ भाई से दरख्वास्त करेंगे आएँ और दुआ में अगुवाई करें और संजीदगी से खुदा की हजूर में झुकें और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए महेश सर को उठवाएं और उसका शुक्र अदा करें। कद्दूस कद्दूस जी को शेर रखिए इसकी बात और सलामती के शहजादे खुदावन शुक्र करते हैं आज इस दिन खड़ी मौका के लिए खुदावन, ये दिन तूने हमारे इज्जत के लिए बख्शा और हमें जिंदों की जमीन पर रखा वापस पानी खुदावन। आज तेरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सलीबी कलमों के लिए खुदावन बाप आसमानी जो तूने सलीबी रास्ता में खुदावन कहे और खुदावन उनको आज तेरे बंदों ने खुदावन अपनी कलीसिया में वजाहत से बयान किए खुदावन, इस बात के लिए तेरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक खादम को तेरे लहू में छुपाता हूँ खुदावन और गहना में ले जा खुदावन, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। इसी तरह खुदावन बिशप साहब को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, अपने बंदा का जिम्मा लेना खुदावन, इन्हें सही तंदुरुस्ती देना खुदावन और अपने मसा में खुदावन हमेशा कायम रखना खुदावन, ताकि हमेशा तेरे भेड़ों की गलाबानी करते रहे पाप आसमानी खुदावन। इस हाजिर जुमात पर तेरा कहना फजल मांग कहता हूँ, एक एक जान को खुदावन तेरे लहू में छुपाता हूँ खुदावन, एक एक जान पर अपना कर्म करना खुदावन। आज खुदावन जहाँ जहाँ तेरे नाम से इबादत हो रही है खुदावन, हर एक को खुदावन तेरे लहू में छुपाता हूँ खुदावन, अमन अमान से खुदावन लोग तेरे घरों में आए और खुदावन खैरियत से अपने घरों को रुखसत हों खुदावन। बाप आसमानी हमारा हम्द व सना करना, हमारा गीत गाना तुझे पसंद आए बाप आसमानी और हमारे लिए अपना आसमान खोलना बाप आसमानी। एक बार फिर सारी इबादत का इज्जत और ऑनर खुदावन तुझे देते हैं, मैं सब कुछ मानता और पा लेता हूँ तेरी क्योंकि बेचे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब वक्त है कि हम मिलकर प्रस्तुत करें और उसी के दौरान अपनी दुनिया के साथी खुदावन की हजूर में गुजराने एल्डर इस्कर साहब के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और एल्डर मुश्ताक साहब अभी खिदमत सर अंजाम देंगे। आए हम खुदावन की हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ अपने नबी ने सामने रखी क्योंकि खुदावन खुशी से देने वाले को वसी सकता है और लिखा है खुदावन के पाक नाम में या करो आगे तो वृद्धि किया जाए। स्वाएँ अपनी शुक्रगुजारियाँ उसकी हजूर में रखें। बहुत दिनों तक पता